हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू एसएससी अडाट 24/7. एंड जल्दी से एक बार सभी आ जाएंगे, सभी को राम राम, राधे राधे और जय श्री कृष्णा. और इसी के साथ दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. कैसे हैं भाई आप सभी? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी दीपावली बहुत अच्छी जाए, आने वाले सभी त्यौहार आपके बहुत ही अच्छे जाएँ. तो सभी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे. आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार. और सुबह के बज चुके हैं 11. सेशन को शुरू करते हैं आप का आज का बायोलॉजी का सेशन. तो फटाफट से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और अपने सेशन को जल्दी से सभी दोस्तों, सभी भाइयों, सभी बहनों तक शेयर भी कर देंगे, ताकि आपकी क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिस ना हो. तो भाई दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. बिल्कुल भाई, आप सभी का थैंक यू एंड आप सभी को सेम टू यू. गुड मॉर्निंग हो चुकी है, कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से एक बार सभी आ जाओ. आज के देखिए, कल वाले सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, आप सभी ने देखा था, ठीक है. आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे. प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित आपके जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे अपने सेशन में. तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाओ. आपके पादप जगत के जितने भी क्रिया विज्ञान है उनसे संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज को करते हैं शुरू. तो आज जल्दी से पहला क्वेश्चन आपका वो लगाऊंगी जो कल दिया था होमवर्क में. बढ़िया हो ना सभी? चलो कर दे सेशन की शुरुआत. ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे, जितने देख रहे हो उतने ही अपने सभी साथियों तक सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे. क्यों मैडम? ताकि हमारे दोस्तों तक भी तो ये खबर पहुंच जाए. आप सभी जानते हो कि आपके लिए ये एग्जाम आने वाले कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मत भूलना, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं? आपके एग्जाम्स आने वाले, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट सीरीज के साथ? अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो सभी टेस्ट सीरीज को लेना ना भूलें. आपने कोड लगाना है Y370. जैसे ही आप इस कोड को लगाओगे आपके लिए डायरेक्ट 77% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा. तो इस कोड को लगाना नहीं भूलना, Y370. और ई बुक्स भी चाहिए मैम, टेस्ट सीरीज भी चाहिए. हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन करें किस प्रकार से? थ्योरी तो आपने बता दी, क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं. जिस प्रकार का पेपर है उसी प्रकार से आपने यहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है. तो याद रखना Y370 फॉर कंप्लीट 77% डिस्काउंट. चलिए अब कमेंट बॉक्स जरा थोड़ी देर के लिए कर दो बंद, क्योंकि मैम हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. आज का पहला क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर लगा देते हैं. भाई आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या था? कल एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, सबसे पहले तो उसका आंसर करो. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करो कि यह मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा. येलो स्पॉट्स ऑन सिट्रस लीव्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन खट्टे पत्तों पर, उनके पत्तों पर जो पीले धब्बे पड़ते हैं वह किसकी कमी से पड़ते हैं? तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएंगे. भाई क्या इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही शानदार. कुछ लोगों के आंसर सही आ भी गए थे लेकिन कुछ के अभी तक सही नहीं आ पाए थे. तो मैं आपको बता दूं क्या इसका राइट आंसर होगा. मैडम मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा. कुछ याद आ रहा है ना कल की क्लास में, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन था. आपके खट्टे फलों के अंदर अगर पीले धब्बे पड़ रहे हैं उसका कारण है मैग्नीशियम की कमी. ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी हो रही है मैडम? मैग्नीशियम की कमी देखी जाएगी. और दूसरी बात क्या है बताओगे? मैग्नीशियम बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, पौधों में दो तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. हाँ जी, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट. कुछ याद आ रहा है? तो अगर मैं मैक्रो की बात करूंगी, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए, यह आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो यही इसी की कैटेगरी में मैग्नीशियम आता है. इसकी कमी से क्या दिखेंगे? येलो कलर के स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा. आपका कई बार ये पेपर में पूछा गया है. बात समझ में आ रही है सभी को?
हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो थोड़ा सा जल्दी से ना एक बारी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैडम शेयर करना तो बनता है। आपने हमने जो बोला था आप वही क्वेश्चन अगर करवा रही हो तो लगाते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्या कह रहा है, बीज किसकी अनुपस्थिति में अंकुरित हो सकता है? अंकुरित तो हो जाता है, मगर ऐसा कौन सी चीज है जिसकी अनुपस्थिति में भी यह अंकुरित हो जाता है? जल्दी से बताओ एक बार। पर्याप्त रोशनी, ऑक्सीजन की आपूर्ति, उपयुक्त नमी या उपयुक्त तापमान, सूटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन या लाइट, किसके एब्सेंस में ये जर्मिनेट हो जाता है? सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाओ। और जैसा जानते हो ना कि डेली क्लास सुबह 11 बजे ही होती है, तो भैया 11 बजे ही आना है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई गोवर्धन की, कोई भाई दोज की, नो, कोई छुट्टी नहीं। हमारा टारगेट पढ़ाई है, हमारा टारगेट वो एग्जाम है, तो पढ़ना तो बनता है, क्वेश्चन तो लगाने बनते हैं। मनाओ त्योहार बढ़िया तरीके से, लेकिन क्लास आपकी चलेंगी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई, देखिए किसने लगाया है सबसे पहले इसका सही उत्तर। देखो जी क्या लगाओगे मैडम, एडिक्वेट लाइट, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? एडिक्वेट लाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सही भाई। अगर मैं बात कर रही हूँ ना अंकुरित होने के लिए, जब भी कोई बीज अंकुरित होता है, आपने देखा होगा घर के अंदर अगर हम दाल को अंकुरित कर रहे हैं, आप लोग कई बार देखा होगा घर में मम्मी बनाती भी है दाल को अंकुरित करते हुए, क्या उसको लाइट की जरूरत होती है? नहीं होती ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्याप्त रोशनी की अनुपस्थिति में भी अंकुरित हो सकता है। बाकी चीजें मैडम, ऑक्सीजन भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, मगर लाइट अगर नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम सब जानते हो, तुम बहुत होशियार हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के साथ पत्ती का रेड ऑरेंज और येलो कलर, इसको कर देना जरा पीला, पत्ती का पीला नारंगी और आपका, अच्छा लाल है ये, चलो करो जी, लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है जरा ये बताओ। पत्तियों के अंदर जो अलग अलग कलर देखे जाते हैं कि मैडम कोई पत्ती लाल रंग की है, कोई पीले रंग की है, कोई नारंगी रंग की है, वह किसके कारण देखा जाता है? जल्दी से आंसर लगाएंगे एक बार फटाफट से। अरे देखो एक चीज तुम्हें मैं बताऊंगी, ये जो मोटिवेशन की बात करते हैं ना कि एग्जाम आ रहा है मैम और हम मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमें लग रहा है कि पढ़ा हुआ सब भूल गए, कई लोगों के दिमाग में ना ये चीजें आ रही होंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर ऐसा कुछ अभी भी आ रहा है तो एक चीज पे याद रखना, तुम्हारा अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है, तुम्हें पता है मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी है और तुम जानते हो इस चीज को, तो फिर तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि तैयारी मैंने करी हुई है, आपको पता है कि मुझे खुद पे भरोसा है, आपको पता है कि मेरा सपना क्या है, मुझे किसके लिए ये करना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे खुद की पहचान बनानी है। अगर ये सारी चीजें आपने सोची हुई हैं तो आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई डर, कोई मोटिवेशन, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम सर पे आ रहा है, प्रेशर अगर बनता भी है तो सिर्फ इतना सोचो कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं, मैं यहां पर हूं तो मैं क्यों हूं, बस कोई और दूसरी चीज नहीं। कोई बाहर से मोटिवेशन कभी किसी को हिम्मत नहीं देता, वो रहता है हमेशा टेम्पररी, इंटरनल मोटिवेशन, आपके अंदर का जुनून। और आज तक सफल वही लोग हुए हैं जो अंदर से उस जुनून को लेकर आए हैं, उस मोटिवेशन को लेकर आए हैं, किसी के कहने से नहीं। तो परेशान मत होना और इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगा दो एक बार यहाँ पर, क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई फटाफट से। चलिए आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। किसकी वजह से होता है मैडम? कैरोटेनॉइड की वजह से देखा जाता है। जितने भी कैरोटेनॉइड्स होते हैं बेसिकली वो कलर इम्पार्ट करने का काम करते हैं। हरे रंग की मैं बात करूंगी, ये तो बाकी के तीनों रंग हैं, हरे रंग की बात करूं ना तो वह आता है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से। क्या रंग देगा ये? हरा रंग देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। चलो, पत्तों में आपको सब्जियों के पत्तों में भी देखने को मिलती है, फलों के पत्तों में भी देखने को मिलती है, दोनों तरीके के होते हैं, दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज पता है हम लोगों के साथ भी होती थी जब हम कॉलेज में थे, हम लोग अपने स्कूल टाइम में थे, या हम जब कंपटीशन देने जाते थे उस टाइम पर भी ये लगता था, मगर
थोड़ा लगता था, क्योंकि हमें पता है भाई हमें क्या करना है। घबराहट सबको होती है, मगर उसको ओवरकम कैसे करना है सिर्फ आप जानते हो। चलो, रूट नोड्यूल्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, जरा जल्दी से बताओ, कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं रूट नोड्यूल्स को, आमतौर पर कहाँ पर देखा जाता है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स में, परजीवी पौधों में, फलीदार पौधों में, एपिफिटिक में, या एक्वेटिक प्लांट के अंदर? क्या इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? जरा जल्दी से एक बार आंसर कर देंगे भाई सभी फटाफट से। चलो, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ये पेपर में ना एसएससी में पूछा गया है, ये मत सोचना कि मैडम हल्के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। सही उत्तर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, एक चीज सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ये रूट नोड्यूल्स होते क्या है। ये रूट नोड्यूल्स होते क्या है, ये बेसिकली जो आपकी ना ये जमीन के अंदर जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें उपज रही हैं, ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे नोड्यूल्स निकले हुए होते हैं। इन जड़ों के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स निकले हुए होते हैं, तो ये इसकी आउटग्रोथ होती है। और जो किन पौधों में पाई जाएगी वो याद रखना, तुम्हारे मटर हो गई, ठीक है, चने हो गए, या आपका ये काले चने हो गए, ग्राम कह लो, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या देखने को मिलती है, बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो भी फलीदार होते हैं, क्या हो गया इसको, लेग्यूमिनस, ठीक है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उन सभी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, ये रूट नोड्यूल। रूट के ऊपर निकल रहे हैं तो मैडम रूट नोड्यूल होंगे, स्टेम के ऊपर निकलते हैं वो स्टेम के लिए कहे जाएंगे, ये रूट के ऊपर है। यह किसके अंदर मुख्य तौर पर होंगे, फलीदार पौधों में। फलीदार पौधे कौन कौन से हैं, आपके पी हो गया, मटर हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ, बीन्स, बीन्स भी आप कह सकते हो, ठीक है भाई, बीन्स भी आप कह सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब जिसने भी सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है, जल्दी से लग जाओ एक बार फटाफट से, अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो भी यूज करते हो, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे। आपके लिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन एंड तक बने रहना, देखने को मिलेंगे बढ़िया वाले। क्या कह रहे हैं, जल्दी देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु क्लोरोफिल में मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो शायद हमने इसका डिस्कशन कल भी किया था, करा था भैया, नहीं किया था, जल्दी बताओ एक बार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बेसिकली ये कैसा है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, हरे रंग का पिगमेंट है, और मैडम इसी के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं। क्या है ये, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। बात समझ में आ गई, राइट आंसर क्या हो जाएगा मैडम, मैग्नीशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। देखो, कुछ चीजें हमेशा, अब आप कहोगे ना मैडम इसके अंदर ऐसा क्या, क्लोरोफिल है बेसिकली एक लवक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वैसे पूछता नहीं है लेकिन पूछ ले तो लिख लेना, C55H72O5H4MG, ये देखा जाता है इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका क्लोरोफिल का। किसका है जी, क्लोरोफिल का। इसके और भी अलग अलग होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, वहां पर इसकी ऑक्सीजन की वैल्यू थोड़ी सी देखी जाती है, चेंज हो जाती है, C55H72O5H4MG देखा जाता है। तो इसी के अंदर ये देखिए मेटल पाया गया, बाकी CHO तो है ही है, CHO तो देखा जाता ही जाता है। इसके अंदर एक चीज यहाँ पर हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है O5N4MG, यहाँ पर नाइट्रोजन भी देखा जाता है, ठीक है, CHO वाले मॉलिक्यूल तो है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी देखा जाएगा। इसकी एक रिंग स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें ये अटैच होकर रहता है। तो याद रखिएगा, C55H72O5N4MG इसका सही फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कसकटा क्या है? PDF की टेंशन मत लिया करो, एक तो क्लास का रिमाइंडर सेट कर लो PDF के लिए, Adult 24/7 के स्टोर पे जल्दी से विजिट कर लेना, आपको वहां पर जो एप्लीकेशन है वहां पर इसकी PDFs प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आपसे कह रहा है कसकटा क्या है, कसकटा क्या है? कसकटा एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, आंशिक तना परजीवी है, पूर्ण स्टेम पूर्ण तना परजीवी है, आंशिक जड़ है या पूर्ण जड़ परजीवी है, ये बात तो मैडम क्लियर है, परजीवी तो यह है। अब कंप्लीट है या पार्शियल है, स्टेम का है या रूट का है, तने का है या जड़ का है, इसका आंसर कर दो एक बार सही।
हाँ जी, इसका सही उत्तर लगा दो एक बार फटाफट से, क्या इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा? तो मैम मैं आपको बता दूं, इसको पार्शियल स्टेम आंशिक तना पर जीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक तना पर जीवी कहा जाता है। बेसिकली पैरासिटिक प्लांट एक परजीवी पौधा है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है आपको ये? अगर आप देखोगे ना, एक डॉटर का पौधा सुना होगा, सुना है? DODER, डॉडर प्लांट। ये डॉडर प्लांट कौन है? इसी को कसकटा कहा जाता है। ठीक है, कहाँ होगा ये? आपके तने के ऊपर। पार्शियली है, पैरासाइट मतलब जो किसी दूसरे जीव के अंदर या उसके ऊपर अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है, उसी को पैरासाइट कहा जाता है। तो मैडम ये पार्शियल है, मतलब कंप्लीटली तो नहीं रहता एक तरीके से, लेकिन पार्शियली कहाँ पर रहेगा? आपकी स्टेम के ऊपर रहता है। कहाँ पे मिलेगा? पार्शियल स्टेम पैरासाइट इसको कहा जाएगा। राइट आंसर याद रखना, इन चीजों को कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, और इस कमेंट बॉक्स को जो खोल कर बैठे हैं, जरा इसको थोड़ा सा बंद कर लो, ये बतियाना कम कर लो, पढ़ लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, है ना? पढ़ाई कर लोगे तो भला हो जाएगा, लेकिन नहीं मैडम, हमें तो बाकी की सारी चीजों में ज्यादा ध्यान है। बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? नहीं है। क्या कह रहा है? कीट भक्षी पौधा नहीं है। कौन एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? नेपेंथिस ड्रोसेरा, आर्टिक्यूलेरिया या फिर कसकटा? अब एक तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैम कसकटा अभी आपने बताया डॉडर का पौधा होता है, पैरासाइट है। तुमसे कह रहा है कीट भक्षी नहीं है, तो यही तो है, यही तो हमने बताया कि भैया कसकटा क्या है? एक परजीवी है। जब आपको पता चल गया ये एक पैरासाइट है, तो मतलब कीट भक्षी तो मैडम नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। ना तो आर्टिक्यूलेरिया, नेपेंथिस ड्रोसेरा, ये तीनों ही आपके कीट भक्षी पौधे के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, हाँ ये भी पूछ लो कि मैम इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्या काम होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कीट भक्षी है ना, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होंगे उन्हें खाने का काम करेगा, उनको खाने का काम करता है। पिचर प्लांट भी आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सही, पिचर प्लांट भी सुना होगा, जो पक्षी जो बेसिकली आपके इंसेक्ट्स को खाने का, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट उनका नाम देखा जाता है। ये हो गए, बहुत सारे होते हैं कसकटा, लेकिन क्या है? एक परजीवी कहा जाता है। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, अब जल्दी से यहाँ बता दो। अब बताओ कौन सा है? बेलानोफोरा, ओरोब्रैंक, रेफलेसिया या ड्रोसेरा? तुम्हें पिछले क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन की हिंट मिल जाएगी, और ये सारे तुम्हारे, तुम देखोगे एसएससी 2013 में पूछा गया है, 2013 की किताब उठा लेना, पूछा गया है एमटीएस में एक क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, देख लो जरा जल्दी से, पिछला ही क्वेश्चन क्या बताया था? ड्रोसेरा का नाम था। यही क्वेश्चन दोबारा से कहाँ पूछा गया? आपके 2014 के अंदर पूछा गया था। तो ड्रोसेरा क्या हो जाएगा मैडम? एक आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एसएससी में कई बार रिपीट होकर क्वेश्चन देखे जाते हैं, वरना उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो चीजों को हल्के में ना लें। आप जानते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अगर मेहनत कर रहे हो, हम 2 साल से तो बहुत मेहनत कर लिए मैडम, लेकिन एंड मोमेंट पे आके हम पीछे हट रहे हैं। गलती मत कर देना, फिर से कह रही हूँ, गलती मत कर देना, दिक्कत पड़ जाएगी। अभी भी टाइम है, लिख लियो चीजों को जितनी भी है, बाद में रिवीजन करने मत बैठना, पेपर आ जाएगा तब जरा वीडियो उठा के देखेंगे क्या क्या चीजें थी। लिखते चलो, इस कमेंट बॉक्स को बंद कर दो, फिर कहोगे मैडम रिकॉर्डेड सेशन है, आप बात नहीं कर रही हो, ऐसा है वैसा है। पढ़ लो, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, पढ़ लो। तुरंत बातें तो बनाने लग जाते हो। सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय बीज, प्रसुप्ति का नियमन किसके द्वारा देखा जाता है? जो सीड डोरमेंसी की प्रक्रिया है, इसको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? अगेन आपका 2013 एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम कहोगे तो अगली बार से ना वो भी लिख के लाया करूंगी। ठीक है, कहां पर आया था, कहां पर आया था, जल्दी से बताओ। सीड डोरमेंसी को कौन रेगुलेट करता है? डोरमेंसी पूछोगे ना, देखो सबसे पहले याद रखना, ये जो डोरमेंसी होती है, जो प्रसुप्ति का नियमन होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप हो, रात को सो जाते हो, तो मैं क्या बोलूंगी? इनएक्टिव स्टेट में, एक्टिव नहीं है ना आपकी बॉडी। ऐसे ही डोरमेंसी जो होती है वो एक इनएक्टिव स्टेज है, जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है। ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है।
अगर मैं बोलूं कि सीड डोरमेंसी है तो मतलब मैम सीड क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है, सीड क्या नहीं कर रही, सीड काम नहीं कर रही, वह उपजाऊ इस टाइम पर नहीं है, इसी को कहा जाता है सीड डोरमेंसी। यही आपसे पूछी गई है, कौन इसको रेगुलेट करता है, कौन सीड को इनएक्टिव स्टेट में ले जाने में मदद करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। जो पूरा इसका रेगुलेशन होता है वो एब्सिसिक एसिड द्वारा होता है। प्लांट्स के अंदर मुख्य तौर पे आपके 5 हार्मोन पाए जाते हैं। एक बार जल्दी से देख लो, आप पूछोगे पादप हार्मोन के बारे में, तो पादप हार्मोन मुख्य तौर पे नाम लिख लेना, पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जिब्रेलिन, नंबर फोर्थ आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और होता है आपका इथाइलीन। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि मैडम चीजें समझ में आ रही हैं। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, सेशन को शेयर कर देना जिसने अभी तक नहीं किया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बनेगा पूरे 5 पादप हार्मोन में से कौन सा ऐसा है जो अकेला गैस है। गैसियस स्टेट में आपने सुना है कभी कोई हार्मोन गैस हो, पादप हार्मोन एक ऐसा है जो कि गैस स्टेज में देखा जाता है, दैट इज इथाइलीन। इथाइलीन बेसिकली एक गैसियस स्टेट में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कहा जाता है। तो चीजों को अच्छे से समझ लो, और यहां पर ये इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन का ये एक भाग होता है, आईए बोल दिया, जिब्रेलिक एसिड और इथाइलीन तीनों क्या हो गए, हार्मोन हो गए, लेकिन एब्सिसिक एसिड इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, थम्स अप का साइन भेजो फटाफट से भाई, मैं सबके देख रही हूं कमेंट्स, लेकिन आज तुमसे सिर्फ पढ़ने की बातें करनी है। दिवाली मना रहे ठीक है, मगर त्योहार के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लिया जाए, ठीक है भाई। हाँ, सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिए, अभी भी फटाफट से, अगर मजा आ रहा है क्वेश्चंस को करने में तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर बताओ। इन वॉट इन प्लांट वॉटर रिलेशनशिप, ये जो सिंबल होता है आपका, ये वाला जो सिंबल होता है, यह किसके लिए यूज किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, या फिर ऑस्मोसिस। अब कुछ कहेंगे मैडम ये तो शिवजी का, भोलेनाथ का त्रिशूल है, ध्यान से पढ़ लो, जो बायोलॉजी पढ़ी है तो ढंग से पढ़ लो इसको, बातें मत बनाया करो, जल्दी जल्दी से बताओ ये सिंबल किसको रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप को यहाँ पर बताता है। अरे आंसर करो यार तुम लोग जल्दी से। हाँ बहुत ही बढ़िया, देखो कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा तुक्के लगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। देखो इसको कहा जाता है मैडम वाटर पोटेंशियल, तुम थोड़ा सा समझो ना, ये वाला जो साइन है इसमें नीचे W लिखा है मैडम, W स्टैंड्स फॉर वाटर पोटेंशियल, पानी का पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, पानी का, वाटर का, किस तरीके का पोटेंशियल, जब पानी ऑस्मोसिस में एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर हो जाता है, उसकी वो पोटेंशियल वैल्यू को हम इस सिग्नल से डोनेट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हाँ ये साई के नाम से जाना जाता है, त्रिशूल नहीं है, इसको साई के नाम से जानते हैं, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है, ग्रीक लेटर साई के नाम से, साई डब्ल्यू के नाम से आप इसे बोलोगे, तो साई डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ऑस्मोसिस में जिस तरीके से ट्रांसफर देखा जाता है उसी चीज को यह कह रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ समझ में आनी चाहिए आप सभी को चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप वर्णक लाल तथा सुंदर लाल प्रकाश क्षेत्र में होता है, रेड और फार रेड, बेसिकली इस रीजन में कौन सा आपका पिगमेंट देखा जाता है, कैरोटेनॉइड, फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल या फिर साइटोक्रोम, जल्दी जल्दी से आंसर करो भाई एक बार फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट एब्जॉर्ब इन रेड एंड फार रेड, जल्दी से इसको यहां पर ना एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब जब करता है ना उसकी एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है वह इस क्षेत्र में किसकी देखी जाती है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ये जब रेड और फार रेड की बात कर रहे हैं तो मैडम कौन सा पिगमेंट होता है यहाँ पर, फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम के नाम से जाना जाता है, जो कि लाल और ये फार रेड रीजन के अंदर आपके पिगमेंट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। बातें समझ में आ रही है, ये मॉलिक्यूल है कैसे, ये अगर मैं फाइटोक्रोम की बात कर रही हूँ, साइटोक्रोम की बात कर रही हूँ, ये आपके ना प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये तुम्हारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल, कैरोटेनॉइड हो गया कलर देगा पत्तियों में, क्लोरोफिल हो गया हरा रंग देगा, कैरोटेनॉइड लाल पीला गुलाबी ये रंग देता है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करते हैं। बात आ रही है समझ में,
बहुत बढ़िया। देखो जब अंकुरित होता है ना बीज कोई भी, उसके अंकुरित होने वाले टाइम पर आप बेसिकली एक चीज देखते हो कि जब उसके अंदर अंकुरित हो रहा है, ठीक है, अब उसमें मुझे पता करना है ये स्पेक्ट्रम के कौन से कलर जोन में देखा जा रहा है। तो वो कलर जोन, वो एब्जॉर्प्शन जिस जोन में हो रहा है, दैट इज रेड एंड फार रेड, दैट इज रेड एंड फार रेड। समझ में आई बात? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ। कि जब बात आ जाती है ना, देखो एक तरफ बात आती है हमारी बॉडी की, एक तरफ बात आती है पादप जगत की, तुम्हें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी में आता है। मगर इसको समझ लिया तो बायोलॉजी में कभी दिक्कत ही नहीं होगी, इसको समझ लिया तो बायो में बची कुची दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तो सही उत्तर बता दो इसका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा नष्ट हो जाती है, प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस, क्वेंचिंग, स्कैवेंजिंग, फोटोलाइसिस या फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ, एक बार करो भाई फटाफट से इसका सही आंसर करना। बहुत ही बढ़िया आंसर आ चुका है। मैम यहीं पे है, मैम कहीं नहीं गई, जल्दी से आंसर लगाओ एक बार फटाफट से इसका। हाँ, और जिसने भी सेशन शेयर नहीं किया है तुम नालायक हो गए हो। डेली क्लास हो रही है, देखो सुबह 11 बजे डेली क्लास हो रही है, फिर कहोगे राधिका मैम ने बताया नहीं, डेली सुबह 11 बजे क्लास हो रही है। आप सभी ने क्लास ऐसे ही अटेंड करनी है, एक दिन आके एक दिन छुट्टी नहीं लेनी। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे मैम? ना तो स्कैवेंजिंग कहेंगे, ना फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब फोटो सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में टूटना, लाइसिस। स्कैवेंजिंग मतलब किसी डेड डिकेइंग मटेरियल को खत्म करना, खाना। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये प्रोसेस ही अलग हो गया। क्वेंचिंग मेथड होता है जिसमें आपके फोटोसिंथेसिस के बाद जो एक्सेस, बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी डिसिपेट होती है, वह यहाँ पर देखी जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्वेंचिंग के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। देखो मैम की तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन तुम लोग को कॉपरेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से सेशन को शेयर करो। क्लास तो तुम्हारी होगी, अभी एक दो दिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्लास आपकी होगी, ठीक है। मौसम बहुत खराब चल रहा है, सर्दी गर्मी एक तरीके से हो रही है सबको, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से अपना ध्यान रखें अच्छे तरीके से, ठीक है। इस टाइम पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, आप लोग के एग्जाम्स की डेट भी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा जल्दी से आंसर आ जाए सभी का। बहुत ही बढ़िया भाई, मैम क्या इसका सही आंसर होगा? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। क्या हो जाएगा? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम और पानी के बढ़ा देता है? दैट इज बोरॉन। क्या आंसर सही लगा कराओगे मैम? बोरॉन इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ बोरॉन मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है? जैसे मैंने मैग्नीशियम की बात करी थी, मैग्नीशियम की मात्रा क्या चाहिए होती है? ज्यादा चाहिए होती है, तो वो मैक्रो है। मैं कहूँ बोरॉन, तो बोरॉन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाएगा, ठीक है, माइक्रो याद रखना है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी लकड़ी खुली हवा में उजागर करने के बाद जल्द ही बेकार हो जाएगी? कौन सी ऐसी लकड़ी है जो अगर मैं ओपन एयर में एक्सपोज कर दूं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी। सॉफ्ट वुड, वेट वुड, फिब्रस वुड या हार्ड वुड? जल्दी से आंसर करो एक बार फटाफट से भाई, बहुत ही शानदार आंसर आ चुके हैं सभी के, आए नहीं है, जल्दी से कर दो एक बार इसीलिए फटाफट से। हाँ जी, क्या कहा जाएगा मैडम उसको? वेट वुड, गीली लकड़ी के नाम से जानते हैं। वेट वुड बेसिकली आपकी, उसे अगर आप कुछ टाइम के लिए ना खुली हवा में रख दो, मॉइस्चर है, वो लकड़ी यूजफुल नहीं रहेगी, वो एकदम यूजलेस हो जाती है, ठीक है यार, यूजलेस। एक तो देखो वैसे ही गीली है, वो क्या करेगी? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और वही पानी को ये एब्जॉर्ब कर रही है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है, ये क्या हो जाएगी? आपका सड़ना शुरू हो जाएगा, इसका डिके होना शुरू हो जाएगा। तो क्या रह गया इसके अंदर? कुछ भी नहीं, ये क्या बन गई? यूजलेस बन गई, बेकार हो गई, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्याज का संशोधित रूप क्या है? जल्दी से बताओ एक बार, प्याज का संशोधित रूप, पत्ता, जड़, तना या इनमें से कोई भी नहीं, पत्ता, जड़, तना या इनमें से कोई भी नहीं। अनियन जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है ना वो किसकी कही जाती है? अनियन स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मतलब जड़ें, तने बदल रही हैं, जड़ें बदल रही हैं प्याज में, पत्ते बदल रहे हैं या कोई भी नहीं बदल रहा है। तो आप इसका सही आंसर क्या लगाओगे मैडम? जो तना होता है, जो स्टेम होता है वो बदलता है और अनियन बल्ब बना लेता है। अनियन का क्या बनता है? अनियन का क्या बनता हुआ दिखता है कुछ इस प्रकार से, अनियन बल्ब। और वो बल्ब किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का है। जैसे अगर मैं रूट की बात करूं तो जड़ों में से आपकी रेडिश हो गई, गाजर हो गई, ये सब निकलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेम की तो स्टेम में आपका यह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हाँ अच्छा, इसके ऊपर जो पत्तियां भी तो होती है ना बहुत सारी, प्याज के ऊपर आपने देखी होंगी बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडरग्राउंड ही होती है जी, हाँ अंडरग्राउंड ही होती है। नेक्स्ट कह रहा है, इस पौधे के फूल भूमिगत पाए जाते हैं। फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। किसके फल भूमिगत पाए जाते हैं? पोटैटो के, ग्राउंडनट के, कैरेट के या अनियन के? जल्दी बताओ। तुम्हें आंसर पता है, अभी अभी बात करी है, अभी बात करी है, लेकिन फिर भी आंसर इसका यहाँ पर सही बता देंगे। किसके फल भूमिगत पाए जाते हैं? मूंगफली, देखिए मूंगफली के दाने कहाँ पर होते हैं, मूंगफली के दाने कहाँ पर होते हैं? तो मैडम मूंगफली के दाने दिखते हैं ग्राउंड नट, अंडरग्राउंड में। वो मूंगफली कहाँ से आती है? इसके फल कहाँ पर है? अंडरग्राउंड है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है जरा ये बताओ? ग्राउंड नट की बात करें तो यह है आपकी बीन फैमिली से, नट की फैमिली से नहीं, बीन फैमिली से बिलोंग करता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आती है, जिनमें दालें आती हैं उसी के अंदर आपकी लेग्यूमिनस प्लांट में बीन फैमिली आती है। दिवाली है, डांस वांस क्लास में नहीं चलता है ना, पढ़ाई लिखाई चलती है क्लास में। ये नहीं है कि मैडम क्लास में ही हम जरा आज दिवाली मना लें, पटाखे भी यहीं फोड़ दो, पटाखे भी यहीं चला लो, है ना, फोन को रख के फोन के सामने ही बस चिक चिक खत्म। दिवाली मनाएंगे, बाद में मनाएंगे, अच्छे तरीके से मनाएंगे। यू गाइज आर मच्योर एनफ, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मनाओ, ठीक है। यहाँ पे चैट बॉक्स में पटाखे फोड़ने का क्या मतलब है? चैट बॉक्स में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। दिवाली में एक्साइटमेंट बढ़ रही है, आज दिवाली है भाई, आज तो दिवाली है। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट से आंसर कर दिया करो जल्दी जल्दी से। कमेंट दिख रहे हैं सबके, ठीक है, ये मत सोचना कमेंट नहीं दिख रहे मैम को। नेक्स्ट कह रहे हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त सभी संतति क्या कहलाती है? ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उनको क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आप लोग आज होमवर्क में करके लाएंगे, ये आपका कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को होमवर्क क्वेश्चन बना के और इस क्वेश्चन का सभी सही उत्तर लगा देना। आज तुम्हारी दिवाली है तो जल्दी से छुट्टी कर देते, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, इंजॉय करो, ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो भी वानस्पतिक प्रवर्धन होता है उसके द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त जितनी भी संतति होती है उनको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर करोगे ऑफलाइन कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके होमवर्क में। अब दूसरी बात मेरी ये सुन लो कि जैसा कि आप सबको पता है भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी सारी टेस्ट सीरीज पर, आपकी सभी ई बुक्स के ऊपर क्या चल रहा है, 77% का ऑफ चल रहा है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज मात्र 91 रुपीज में आपको प्रोवाइड करवाई गई है, आप इसको लेना ना भूलें। साथ में आप एसएससी की, आप जीडी की, आप एमटीएस की, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज को लेना मत भूलना, केवल और केवल 77% डिस्काउंट के साथ। और मैम ये डिस्काउंट हमें कैसे मिलेगा? हमें कोड लगाना है Y370, इस कोड को लगाते ही आपको मिल जाएगा डायरेक्ट 77% का ऑफ, ठीक है। हाँ तो आप देखो, तैयारी तो आप सभी कर रहे हो, लेकिन तैयारी के साथ साथ तैयारी को अच्छे ढंग से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे टाइम पे। देखो आप आजकल तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ना रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं। ये सोचो कि पहले, मतलब आज से करीबन 10 साल पहले,
कुछ भी नहीं था, इतना इंटरनेट नहीं था, इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, हर किसी के हाथ में मोबाइल उस टाइम पर इतने ज़्यादा नहीं थे कि सब कुछ ऑनलाइन हो। अगर आज आपके लिए सुविधा है कि आपको अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाना पड़ रहा तैयारी करने के लिए, आपके लिए ऑनलाइन सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो फिर इसका लाभ उठाओ ना, अच्छे से उठाओ। ऑनलाइन जब सब कुछ है तो परेशानी किस बात की, बढ़ो और बाकी सभी चीज़ों को अपने ऐसे ही अच्छे तरीके से, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, अपनी रैंक देखना कि आखिर मेरी रैंक ओवरऑल बच्चों में कितनी आ रही है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ मगर एक्चुअली में मेरा इस टाइम पर क्या फोकस होना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, क्या मैं उस तरीके से कर रहा हूँ या नहीं। अभी नीट के रिजल्ट्स आए हैं, आपके SSC के हर तरीके के एग्ज़ाम, सारी तैयारियाँ आप लोग फ़ोन पर बैठ के बहुत आसानी से कर सकते हो, तो पढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन कमेंट करके सभी बताइएगा, और इसी के साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, सक्सेस पाएं, अपनी अपनी मंजिलों तक जाएं, और ऐसे ही आगे आप लोग सभी बढ़ते रहें। तब तक के लिए आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह सुबह 11 बजे। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, शुभ दीपावली, जय हिंद जय भारत।